तो आज मैं आप लोग को याजुज और माजुज के बारे में बताऊंगा, जिसे गॉग और मैगॉग भी कहा जाता है। तो बहुत सारे जन मुझे कमेंट करके कह रहे थे कि फुरकान, याजुज और माजुज के बारे में बताओ, ये कौन है, कहाँ से आए, और गॉग और मैगॉग का क्या मतलब है, इन लोग दोनों क्या रिलेटेड है, क्या इन लोग दोनों दुनिया को ख़त्म कर देंगे, और कितने जान रह गए, इन लोग क्या दो ही जान है, कितने जान रह गए, ये सब के बारे में बताओ। मैं जब से YouTube वीडियो डाल रहा हूँ ना, तब से मेरे को ऐसे कमेंट्स आ रहे कि फुरकान इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को ऑलरेडी इसके ऊपर नॉलेज है थोड़ी, मैं स्टडी कर रहा था, अब मैंने स्टडी कर दिया, मैं आपको बताता हूँ ये लोग कौन है। तो गॉग और मैगॉग जो है वो एक्चुअली क्रिश्चियन में इन लोग को याजुज और माजुज को कहा जाता है, याजुज माजुज इस्लामिक में कहा जाता है। कहते हैं इन लोग इतने करप्ट फोर्सेस है कि इन लोग पूरी दुनिया में आके पूरी दुनिया को खत्म कर सकते, इतनी ताकत रखते इन लोग। और इन लोग आप सोच रहे हो कि किधर रहते, इन लोग अभी भी धरती पे ही रहते, अर्थ पे ही रहते, लेकिन उन लोग ऐसी एक जगह पे जिधर एक ऐसे दो ऐसे बड़े दीवार है, वो दीवार के बीच में उन लोग है, और लोग हमेशा एवरी डे उन लोग उन दीवार से निकलने की करते कोशिश, उन लोग तोड़ते, उन लोग जहर फैलाते, सब करते, उन लोग पहुंच जाते एंड तक, और सुबह उठ के देखते तो दीवार वापस वैसी की वैसी रहती है। कहते हैं कि आखिरी के दिन में उन लोग को ऐसी दीवार खोल दिया जाएगा और कहेंगे कि जाओ तुम लोग को जो करना है करो, और जब उन लोग को निकाल दिया जाएगा, उन लोग जाएंगे जो भी उन लोग को दिखेगा रास्ते में, इंसान दिखेगा, जानवर दिखेगा, जो भी दिखेगा उन लोग को मार देगा, उन लोग के पास इतनी ताकत रहेगी। मान कहते हैं कि उन लोग के पास इतनी ताकत रहेगी कि उन लोग पानी, अगर समुद्र का पानी उन लोग पूरा पी जाएंगे, आपके लिए कुछ नहीं बचाएंगे, तो आप जब भी लेने आएंगे तो आपको मार देंगे, या उन लोग आपको पानी पीने नहीं देंगे तो आप विदाउट पानी मर जाएंगे। और ये भी कहते हैं कि उन लोग को जो नीचे भेज दिया, ऊपर वाले ने उन लोग को ऐसा किया है, उन लोग को ऐसा बनाया, उन लोग को ऐसा रखा है, इतने सालों से रखा है, तो इन लोग इतने चिढ़ गए कि उन लोग ऊपर आसमान में देख के आसमान को अटैक करने की करेंगे, वो लोग ऐसा फोर्सेस बनाएंगे, ऐसा लेयर बनाएंगे जो लोग आसमान तक जावे आसमान को अटैक करेंगे, क्योंकि उन लोग को मालूम है आसमान में जन्नत है जिसको अटैक करना वापस अब रहते, लेकिन उन लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कहा जाता है ये प्रोफेसी में लिखेला है कि वर्म्स मतलब जो कीड़े होते वो कीड़े गिरेगे आसमान से, उन लोग के कान और मुंह में जाएंगे और लोग को पूरा मार देंगे वैसा, तो ऐसे सब लिखा हुआ ऑलरेडी प्रोफेसी में होने वाला, तो ये होएगा, ये आखिरी वक्त में आएंगे। उन लोग जानवर जैसे दिखेंगे लेकिन उन लोग बात कर सकते, उन लोग का नाम याजुज माजुज रहेगा, जो लोग कॉग और मैगॉग भी कहते हैं। आप लोग बोल रहे हैं कि फुरकान ये सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं कुरान के, अगर सूरह 18 और 21 में देखेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। और लोग बाइबल के हिब्रू बाइबल और क्रिश्चियन न्यू टेस्टामेंट्स में भी है। तो अभी ये थी सब माइथोलॉजी, अभी मैं बताता हूँ मेरे को क्या लगता है इन लोग के बारे में, और इन लोग ऑलरेडी आ गए, इन लोग का लोकेशन क्या है, मेरे हिसाब से मैं जो बताना चाहता हूँ मैं आपको बता दूँ। तो आपने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सुना होगा, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्यों बना था, इतनी बड़ी दीवार है जो इतने किलोमीटर्स की दीवार है वो क्यों बनी थी, क्योंकि इन लोग को किसी से वॉर करना था, अगर वॉर करना था तो एक कासल बना देते, ऐसे 100 कासल बना देते, लेकिन उन लोग ने इसी दीवार क्यों बनाया स्पेसिफिकली, वो भी ऐसे माउंटेन पे, क्योंकि इन लोग ने ये याजुज माजुज के लिए बनाया कि वो लोग उधर ही है और लोग निकल नहीं पावे, ऐसा कहा जाता है कि जब ऊपर वाले ने ऐसी दीवार बनाया था, क्योंकि इतनी बड़ी दीवार तो कोई इंसान नहीं बना सकता है, आप ही सोच लो, तो ये ऊपर वाले ने खुद ने बनाया ऐसा कि उन लोग को कैप्चर करके रखे और लोग वापरिए, क्योंकि बहुत सारे चाइनीज जो पुराने ज़माने के उन लोग कहते भी है कि वॉल सिर्फ वॉर के लिए नहीं बनी है, हाँ हाँ ये वॉर के लिए बनी है, लेकिन इंसान इंसान के वॉर के लिए नहीं, ऐसे जानवरों के वॉर के लिए बनी है जो आपने सोचे भी नहीं हो कभी कभी। कितनी तो मूवीज़ भी आई है इस पर बता रहे कि ड्रैगन्स आएंगे अटैक करेंगे ये करेंगे वो, नहीं एक्चुअली वो सब फेक है, ये याजुज माजुज के ऊपर ही है। जितनी मेरी थिंकिंग है, जितनी मेरी माइथोलॉजी है, मुझे लगता है कि ये बराबर है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द लोकेशन जिधर याजुज माजुज जो कॉक और मैगॉक भी है। आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्या उन लोग है ऑलरेडी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एक्चुअली एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने भी ऐसी एक मूवी डायरेक्ट किया था, मैं एक्चुअली उसको ही फाइंड आउट कर रहा हूँ, मगर मेरे को मिल रहा नहीं उसका नाम, मेरा नाम उसका दिमाग से निकल गया, मेरे दोस्त लोग को मालूम है, मैं उन लोग को पूछ के आपको बताऊंगा, लेकिन वो मूवी में इसके बारे में एकदम क्लियर बताया, एक्चुअली वैसा नहीं बताया कि लोग याजुज माजुज है, मगर वैसे ही टॉपिक सिलेक्ट किए कि लोग पानी पीते तो लोग मल्टीप्लाई होते, जैसा अगर एक बूंद भी लोग के ऊपर पानी लग जाता है ना तो एक से पाँच बन जाता है, पाँच से दस, दस से बारह लोग इसे बनेंगे और लोग मॉन्स्टर्स रहते, वो लोग सिर्फ मारते, कहते हैं कि वो लोग जब थूकते हैं तो थूक एसिड की रहती है और थूक से आदमी पिघल सकता है, इतनी इतने डेंजर रहते हैं वो लोग, जो आखिरी वक्त पे आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आखिरी वक्त की निशानियां क्या है जिसमें उन लोग आ सकते हैं, और कितनी निशानियां ऑलरेडी हो चुकी है, मैं आपको सब बताता हूँ कि हमें दो चांद दिखने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि दूसरा चांद ऑलरेडी आ गया है, और या तो फिर दूसरे एक चांद के दो टुकड़े हो गए, ऐसे सब बोल रहे हैं। और आखिरी वक्त की एक निशानी है कि जब आखिरी वक्त आने वाला होगा हमें धरती से दो चांद दिखेंगे,
तो क्या ये है आखिरी वक्त की निशानी? यही नहीं, मैं आपको और भी बताता हूँ। कहते हैं कि आखिरी वक्त में जब बहुत बहुत ज़्यादा एंड ऑफ द टाइम हो जाएगा, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि टिड्डे का अटैक होएगा। टिड्डे जो आए हैं अपनी दिल्ली में आए, और बहुत जगह पे आए, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरी वर्ल्ड में आ रहे टिड्डे। तो ये टिड्डों का अटैक क्यों हो रहा है? कि शायद ये भी आखिरी वक्त है। और एक और एक है, मैं आपको बताता हूँ कि जब आखिरी वक्त होएगा, जब बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आने लगेगी, तो एक चीज़ आएगी जो जिसे कहेंगे बीमारी। वो बीमारी इतनी डेंजर रहेगी कि आधी पॉपुलेशन ख़त्म कर दी गई। और अब क्या हो रहा है? अब करोना वायरस कैसे आया? हो सकता है ये हम एंड ऑफ द टाइम में रह रहे, बहुत जल्द आखिरी वक्त आने वाला है। याजुज माजुज भी आने वाले, कितने जन तो मुझे कहते हैं अगर याजुज माजुज आने वाले फुरकान, तो हमारी गवर्नमेंट, हमारे जो वेपन्स है, हम उसको आराम से मार सकते हैं। नहीं, वो लोग मरते नहीं है, इसकी भी हर वेपन में ना थोड़ा पानी का इस्तेमाल होता है या लिक्विड का इस्तेमाल होता है। और जब उन लोग को वेपन लगेगी, उन लोग मरेंगे नहीं, वो लिक्विड के थ्रू उन लोग और मल्टीप्लाई होंगे। अभी शायद गवर्नमेंट्स ने, ऑफ कोर्स उन लोग ने भी प्रोफेसिस पढ़े होंगे, उन लोग ने भी कुछ इन्वेंट तो किए होंगे, ऐसा नहीं है नहीं किए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। जो प्रोफेसी वही होगी, एंड में कीड़े आएंगे, कीड़े ही मार सकते हो उन लोग को। आप बोल रहे हो फुरकान ये सब फेक है, जो भी है मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को जो मालूम है, नॉलेज है, मैं आपको दे रहा हूँ। तो अलग अलग जन का मानना है कि अलग अलग टाइप के दिखेंगे याजुज माजुज। कितने जन बोलते हैं बहुत ज़्यादा लंबे रह गए, मतलब 10 फुट हमारे से ज़्यादा लंबे रह गए, या तो फिर कितने जन कहते हैं कि वो छोटे छोटे रह गए, वहाँ मोटे रह गए और एकदम छोटे रह गए, उन लोग मारने आएंगे। कितने जन कहते हैं कि हमारे जो नी है ना, नी उससे भी छोटे रहते। तो आप कह रहे होंगे कि फुरकान ऑलरेडी मतलब उन लोग धरती पे है, तो कितने जन ने देखे होंगे उसकी पेंटिंग बनाए, उसकी ड्राइंग्स बनाए होंगे। तो हाँ, ऑलरेडी है, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो अभी मैं विकिपीडिया पे पढ़ रहा था इसके बारे में, तो इस पे कहा गया है कि रशिया ने ऑलरेडी 19th सेंचुरी में इन लोग के साथ वॉर कर चुकी है। और लोग मतलब जो जो मल्टीप्लाई हो गए, कितने जन जो फंस गए, जिस थोड़े निकल गए होंगे, तो उसके अंदर से जो जो जिसके साथ वॉर किए, उन लोग ने प्रिजर्व करके रखे ऐसी फैसिलिटी में। और कहते हैं कि जो फ्यूचर में वॉर्स होगी या कुछ होगी, तो उन लोग को इस्तेमाल करेंगे, उन लोग ऐसा ट्रेन करके रखे कि उन लोग के लिए काम आएगा, जिसे उन लोग मॉस्को में रखे, ऐसा इस पर लिखा हुआ है विकिपीडिया पर। अगर ये सच है तो बहुत डेंजरस है, और अगर सच नहीं है तो हो सकता है ये माइथोलॉजी। क्योंकि देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ, एक देश दूसरे देश की बुराई करता है, तो ये हो सकता है वो है। लेकिन इन लोग क्लेम करते कि उन लोग ने कुछ ऐसा नहीं किया, 19th सेंचुरी में वॉर तो हुई थी, लेकिन हम लोग ने ऐसा कुछ प्रिजर्व नहीं करके रखा। तो आप बोलते हो ना कि फुरकान प्लीज़ थोड़ा ज़ॉम्बीज़ पे वीडियो बनाओ, तो ये जो याजुज माजुज रह गए ना, उन लोग रियल लाइफ ज़ॉम्बीज़ रह गए। उन लोग आपको खाएंगे, उन लोग को ह्यूमंस खाना पसंद है, एनिमल्स खाना पसंद है, उन लोग को हमारे को खाना पसंद है, और लोग पानी पिएंगे तो मल्टीप्लाई होंगे। तो सोचो, जब एक याजुज माजुज करोड़ों को खा सकता है, तो अगर मल्टीप्लाई होंगे तो कितने जन को कितने टाइम में, पूरी धरती को लोग, पूरी अर्थ को लोग कितने टाइम में ख़त्म कर सकते हैं याजुज माजुज। बहुत सारी कॉन्स्पिरसी थियरीज है कि ये याजुज माजुज जिधर जो वॉल में छुपे, एक्चुअली लोग वॉल में जब चले गए थे, तो ये लोग दूसरी यूनिवर्स में आ गए और लोग उधर रह रहे, जिसे कहते हैं अनक्लीन वर्ल्ड, मतलब साफ वर्ल्ड नहीं है, गंदा वर्ल्ड। तो लोग गंदे धरती पे रह रहे, जहाँ पर उन लोग को अभी तक उन लोग को मिला नहीं है कि वापस यहाँ पर कैसा आवे, वहाँ पर लोग लड़ रहे, वहाँ पर उन लोग सब कुछ कर रहे, प्रिपेयर कर रहे एवरीथिंग। और जब उन लोग को मिल जाएगा, तो लोग वो दीवार में आएंगे और दीवार को तोड़ेंगे और अंदर आ जाएंगे, ऐसा कहना है साइंटिस्ट लोग का। जिन लोग रिलीजन में बिलीव नहीं करते, उन लोग कहते हैं कि उन लोग आने वाले, उन लोग भी ऐसा डिनाई नहीं करते कि उन लोग नहीं आने, उन लोग भी कहते हैं कि उन लोग आने वाले, मगर लोग एक पैरेलल यूनिवर्स में चले गए और लोग आए गए पैरेलल यूनिवर्स से, जब उन लोगों को कोई रास्ता मिल जाएगा। तो अभी मैं ये बताऊंगा आपको, विकिपीडिया पे लिखा हुआ है कि किन लोग ने इन लोग को देखे ऑलरेडी। वाइकिंग्स ने देखे, हंस ने देखे, खजार्स ने देखे, मंगोल्स ने देखे, टुरुनियंस ने देखे, नोमाड्स ने देखे, और 10 लॉस्ट ट्राइब्स ने इसराइल के देखे इन लोग को। मुगल्स तक के देखे, मंगोल्स देखे, मंगोल्स एक्चुअली पूरी दुनिया में राज करते थे। उन लोग से मारते हुए जाते थे, सबको मारते थे, एक कैप्चर नहीं करते थे, लोग मारते पूरी दुनिया को घूमते थे। तो उन लोग ने भी देखे, और लोग ने बोले कि हम लोग उन लोग को अटैक नहीं कर पाए, क्योंकि उन लोग एक जगह फंसे हुए थे। तो ये थी याजुज माजुज के ऊपर कहानी। एक्चुअली मैंने इतना ही रिसर्च किया, मैंने पूरी विकिपीडिया सब बता दिया आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मेरा एक नवा मैंने चीज़ बना, ज्वाइन करो, से आपको एक दिन पहले वीडियो मिलेगी। मैं 3 दिन में एक वीडियो डाल रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, मैं दूसरी चीज़ें कर रहा हूँ। ये भी सुनने में आया कि टिकटॉक को रिलायंस बाय कर रहा हूँ, वापस आने वाला है, एज इन जियो टॉक और टिकटॉक पावर्ड बाय जियो रहेगा। अगर आपको पहले से खरीदना था तो इतना बैन क्यों करवाए, सीधा सीधा खरीद लेते, स्टॉक मार्केट डाउन करके खरीद रहे ना, सब मालूम है। अगर तो और आपको क्या वीडियोस देखना है प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताओ। विनोद के बारे में देखना तो वो भी बताओ, मैं विनोद के बारे में बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। विनोद एक्चुअली मेरा दोस्त था, उसका नाम विनोद था, सरनेम भी विनोद है,
और वो विनोद के शहर में रहता है, विनोद गली में, इधर ही आसपास विनोद में रहता है। तो आपको अगर विनोद के ऊपर स्टोरी चाहिए तो मेरे को बताओ, मैं विनोद के बारे में आपको बताऊंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जब तक आप भी सोचते रहो विनोद के बारे में, क्या ये गॉग और मैगॉग जिसे हम याजोज माजोज कहते हैं वही विनोद तो नहीं है? विनोद विनोद।